बॉलीवुड की प्रतिभाशाली अभिनेत्री कंगना रनावत इन दिनों अपनी आगामी फिल्म तेजस को लेकर खबरों में बनी हुई हैं। इसी बीच कंगना रनावत दशहरा के मौके पर भारत के लिए इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन से भी मिली और इजराइल फिलिस्तीन विवाद पर इजराइल को समर्थन देते हुए आतंकी संगठन हमास पर एक बड़ा बयान भी दे दिया। कंगना रनावत ने आतंकी संगठन हमास को रावण बता दिया है। कंगना ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन के साथ अपनी एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा है कि भारत में इजराइल के राजदूत श्री नाओर गिलोन जी से भावपूर्ण मुलाकात हुई। आज पूरी दुनिया खासकर इजराइल और भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी जंग लड़ रहे हैं। कल जब मैं रावण दहन करने दिल्ली पहुंची तो मुझे लगा कि इजराइल एम्बेसी आकर उन लोगों से मिलना चाहिए जो आज के आधुनिक रावण हमास जैसे आतंकवादियों को परास्त कर रहे हैं। जिस प्रकार से छोटे बच्चों को महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है ये दिल को झकझोर देने वाला है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में इजराइल विजयी होगा। उनके साथ मैंने अपनी आने वाली फिल्म तेजस और भारत के आत्मनिर्भर लड़ाकू विमान तेजस के बारे में चर्चा की। हालांकि कंगना द्वारा आतंकी संगठन हमास को रावण बोलना और इजराइल को सपोर्ट करना कुछ यूजर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और ये यूजर्स कंगना पर आपत्तिजनक कमेंट्स कर रहे हैं। एक यूजर ने कंगना पर आपत्तिजनक कमेंट करते हुए लिखा है कि वैसे तो पाकिस्तानियों को आतंकवादी बोलती है, अब खुद आतंकवादी का समर्थन कर रही है। इस बंदी का अभी भी भतीजा पैदा हुआ है और फिर ये कैसे फिलिस्तीन बच्चों के मर्डर को इग्नोर कर सकती है। अजीब लोग हैं ये, हराम का खा के सही गलत नहीं समझ रहे हैं। इसके अलावा एक और यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा है कि मैं हमेशा आपके साहसिक कार्यों, काम और आपकी प्रतिभा को पसंद करता था, लेकिन आज आपने मुझे सचमुच निराश कर दिया। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या आप अंधी हैं? हालांकि कई फैंस कंगना की इस पोस्ट को लाइक कर रहे हैं और इजराइल को सपोर्ट करने के लिए एक्ट्रेस की तारीफ भी कर रहे हैं। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब लहरें।